आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर के शोपिया के अलशीपोरा में सेना के एनकाउंटर में मंगलवार सुबह दो आतंकी मार गिराए हैं। इनकी पहचान मोरीफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के नाम से हुई है। दोनों लश्करे तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े थे। कश्मीर के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बताया कि आतंकी अबरार कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। इलाके में बड़ी संख्या में सैन्य बल तैनात थे। और भी आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 26 फरवरी को आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आतंकियों ने 40 साल के संजय पर तब हमला किया जब वह सुबह अपनी पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे। संजय अचानगांव के रहने वाले थे और बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे। अक्टूबर 2022 के बाद यह कश्मीर घाटी की पहली टारगेट किलिंग थी। संजय की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स के नाम के आतंकी संगठन ने ली। इस संगठन ने एक मैसेज जारी करके कहा कि आज सुबह हमने अचान के रहने वाले काशीनाथ शर्मा के बेटे संजय शर्मा को एलिमिनेट कर दिया। हमने इससे पहले कई बार वार्निंग दी है कि भारत के कश्मीरी पंडितों, हिंदू और पर्यटकों को यहाँ खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।